सबसे पहले हम ओ भाई दिक्कत होगी गाइस इस बार तो शिट अब रार पर बहुत गंदा डैमेज है गाइस ये बंदे उठा ले गए भाई भाई मेरे सामने ना मेरे को नया अपना कीबोर्ड और माउस दिख रहा है जोगिंदर भी लाइक यो जोगिंदर है तारा भाई जोगिंदर आज इसने कीबोर्ड और माउस पे इतनी गेम्स खेल लूंगा इतना इस माउस को रगड़ दूंगा आज इतना हाँ आज इतना इस 8GB लाइट में डिस्को कर लूंगा किसी ने सोची ना होगी सो हेलो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड गाइज आज की वाली वीडियो में हम खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट बाय द वे कैसे हो आप सभी लोग तो गाइज आज की वाली वीडियो में खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट का स्टोरी लाइन एपिसोड #2 सो जैसा कि आप लोग को याद होगा यार लास्ट वाले एपिसोड में इनके लीडर जोगिंदर ने हमें धमकी दी थी लास्ट में तो लास्ट वाले एपिसोड की अगर आपको रीकैप चाहिए तो चलो मैं देता हूँ ना तो लास्ट वाले एपिसोड में क्या हुआ हम लोग कुछ अलग ट्राई करने की कोशिश कर रहे थे हम 100 डेज क्रिएटिव में सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन हमें मिली प्यारी सी एक विलेज एंड इसमें हमें विलेजर्स को देख के बहुत ज़्यादा तरस आया क्योंकि ये अलग टाइप की विलेज थी सो गाइस मैं आपसे ये कह रहा था कि आप लोगों को तो ये विलेज कुछ ज़्यादा ही अलग थी रुइंड हो चुकी थी विलेजर्स बैनर हर जगह लगे पड़े थे इस विलेज में एंड मैंने जैसे ही देखा तो मेरे को बहुत तरस आया एंड फिर मैं इस विलेज के चीफ के घर गया एंड फिर मेरे को सारी स्टोरी पता लगी स्टोरी जाननी है तो पिछला एपिसोड देखना पड़ेगा सारी चीज़ें नहीं बताऊँगा ठीक है तो फिर उसके बाद क्या हुआ फिर वो विलेजर्स की रेड आई एंड अटैक किया एंड मैं जीत गया ऑब्वियसली क्योंकि इसने इस जगह जो है यहाँ पे कुछ एक ऐसी सीक्रेट चीज रखी थी नेदरराइट का फुल आर्मर विद ओपीएस्ट इंचेंटमेंट्स ठीक है पूरा रख दिया था इसने एंड गाइस आप लोगों को पूरा चेंज दिखा होगा आज तो सबसे पहले ना हम अपना नेदरराइट का आर्मर लेने चलते हैं एंड उनकी धमकी आई थी कि वो हमें फिर से रेड करेंगे अबे भाई वो क्या ही कर लेंगे भाई रेड करके फिर भी उन्हें हार रहे हैं बट गाइस थोड़ा सा भी ना अलग सीन है अबे मैं फायरवर्क्स नहीं लाया अबे 2 मिनट रुको गाइस आप मैं आपको सारा चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ तब तक सो गाइस हुआ क्या इन लोगों ने ना हमें एक लेटर भेजा जिसमें इन्होंने हमें धमकी दी कि हम तुम्हारे विलेज के ऊपर फिर से अटैक करेंगे ठीक है तो अब इन्हें पता लग गया कि ये खुद तो अकेले हमें मार नहीं पाएंगे तो नेदर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट डील साइन कर लिया इन लोगों ने एंड वहाँ पे लिटरली उनके साथ डील साइन करके इन्होंने पूरी सारी बात कर लिया है इन्होंने डील साइन करके अब जितने भी नेदर के प्राणी है वो भी इनके साइड पे आ गए हैं तो यस इन्होंने कुछ झूठा वूटा बोला होगा क्या भाई वो भी एक तरीके से हेल ही है ठीक है एक टाइप का हेल है वो तो भाई वहाँ पे भी मतलब क्या ही फ़ायदा होगा मतलब वो भी इनकी हेल्प तो ज़रूर से ज़रूर करेंगे तो भाई हो गया फिर तुम्हें जैसे कि पता है भाई तो यस वो उनकी साइड पे पहुंच चुके हैं एंड अब जो भी नेदर के प्राणी हैं वो सारी इन्हीं की साइड पे हैं बाय द वे गाइस एक मिनट मैं ये चीज़ लगा देता हूँ यहाँ पे मैंने गलती से तोड़ दिया मैं अपने स्वॉर्ड हाथ में रख लेता हूँ कोई भी आ जाओ बेटे यो स्टॉर्म थारा भाई स्टॉर्म आज इतना मार देगा इन विलेज इन लोगों को किसी ने सोची ना होगी एक मिनट रिकॉर्डिंग चल रहा है हाँ सो गाइस अभी आप जैसा कि यहाँ पे पूरी विलेज को देख सकते हो यहाँ पे मैं सबसे पहले आप लोगों को एक और बंदे से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ मैं वाटर बकेट लाना लायो लायो ये रखी है यहाँ पे रखी है जब मैं इसे इस तरीके से कर लेता हूँ एंड अबे वाटर बकेट क्या है लाइटर पहनो एंड बूम तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो ये जो है ना चीफ के जो कि एक और जो था ना मेन जैसे कि मैंने आपको बोला था 2-3 मेन मैनेजर्स थे तो उसमें से एक बंदा ये मैनेजर है एंड उसकी पूरी आइडेंटिटी जो ख़त्म रख रखी है बिल्कुल मतलब जैसे कि उसका बिल्कुल विलेज का उसके घर का एक भी कोना नहीं दिखेगा बिकॉज यार वो ही है मेन मैनेजर है वो सारी चीज़ें जो है ना वो सारी चीज़ें चीफ को बताता है तो इसी के पास आई थी जो भी सारी चीज़ें एंड बाय द वे गाइस अगर मेरे कीबोर्ड की आपको अगर आवाज़ आए सॉरी फॉर दैट कि नया कीबोर्ड है इसलिए ओके फ्लेक्सिंग नहीं कर रहा मैं सो गाइस अभी फालतू की बातें छोड़ते तो आज जो है मैं आप लोगों को थोड़ी सी चीज़ें भाई उनके रेड तो रात में आने वाले तो हम रात के लिए प्रिपेयर कर लेंगे तो मैं सबसे पहले आप लोग को दिखा देता हूँ ये जो वो बंदा था जिसने स्कैम किया था उसका घर गाइस सबको देखना है उसका घर लास्ट वाली वीडियो पे आपने बहुत ही अच्छा सपोर्ट दिखाया था जो अपनी स्टोरी लाइन वाली वीडियो थी इट मीन्स अ लॉट गाइस थैंक यू सो मच एंड यस ये तो हाँ देख रहे हो गाइस यही घर है उस बंदे का
सो ओके गाइस, मैंने टोटेम ऑफ अंडाइंग लेके भी आ चुका हूँ एंड अभी जो है ना, मतलब मैं ये कह रहा था कि हाँ मैं टोटेम ऑफ अंडाइंग लेके भी आ चुका हूँ वहाँ पे। सो गाइस हो चुकी है, अबे भाई ये गलती से स्टोरी टूट गया, शिट। सो गाइस हो चुकी है प्यारी सी मॉर्निंग इस प्यारे से वर्ल्ड में, जो कि अभी प्यारा है, बाद में और ना जाए इसका कुछ। एंड गाइस एक और चीज आपको बतानी थी कि मैंने चीफ से जो है स्पाई ग्लास भी ले लिया। यस, मतलब लिया नहीं यार, वो मेरे को प्रोवाइड कर रहा, मैंने उससे मांगा दे दिया ऐसे तो मत करो ना यार। ये मैं क्या बोलता भाई, ऐसे तो मत करो ना गाइस यार, उसने मेरे को दिया है, प्रोवाइड करा रहा है वो बंदा। सो गाइस चलो यार, सबसे पहले हम ओ भाई शिट गाइस, उनकी रेड बहुत ही गंदी आ गई इस बार। सॉरी अगर मैं माइक में ज्यादा चीखूं तो, बट एक मिनट हमें ना गाइस अभी यहाँ पे लाइट्रा की जरूरत पड़ेगी। अगर जिस बंदे ने नहीं देखा ना भाई, अब क्यों नहीं देखा भाई, वो बंदे वहाँ पे इवोकर रहा है इस बार लिटरली भाई। आई थिंक वो नेदर के साथ कॉन्ट्रैक्ट वाला अभी नहीं होगा इनका सीन। हमें गाइस इनको जो है, ओ शिट यहाँ पे बहुत ही सारे लोग हैं, मैं यहाँ पे नहीं उतरने वाला। नहीं 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 नहीं, ये बंदे भाई कुछ ज़्यादा ही खतरनाक होकर आए इस बार, बहुत ही ज़्यादा भाई। ये बंदे ना वैक्स छोड़ते हैं भाई, दिक्कत होगी गाइस इस बार तो। ओके सो गाइस, मैंने ना अभी चीफ को ना बोल लिया कि भाई अभी यहाँ पे रेड हो चुकी है। एंड गाइस यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, एक गधा आदमी जो है स्पॉन करे जा रहा है। ओके सो गाइस, अभी ना बहुत ही ज्यादा गलत सीन हो रहा है, मेरा आर्मर इज गॉन, मेरा आर्मर गया है, मेरा आर्मर जाएगा अगर मैं यहाँ से निकलूंगा नहीं तो मेरा आर्मर जरूर जाएगा। मैंने पहन लिया लेटर, देख लो भाई मेरी चेस्ट प्लेट की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी है। एंड फ्लाई 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 है, फ्लाई है। ओह गाइस मेरा बहुत ही गंदा छुटकारा। अब यार इनको ना कुछ सबक सिखाना पड़ेगा कि यार मेरा आर्मर देखो गाइस, अभी यार ये आर्मर कुछ ज्यादा डैमेज हो गया। अभी ना गाइस मैं आर्मर रिपेयर कर लेता हूँ भाई। ये वाली फाइट कुछ ज्यादा ही मतलब वो हुई है क्योंकि इन्होंने ना सरप्राइज अटैक किया है। अबे हाँ यार, जोगिंदर वाले लोग हैं ना, जोगिंदर तो ऐसे ही करेंगे, तो छोड़ो यार। बट यार हमें यार अभी थोड़ी सी ना वो करना पड़ेगी यार, प्रिपरेशन नहीं, हमें यार थोड़ी सी चीज़ें अच्छी होंगी। तो मैं ना चीफ को सबसे पहले सारी अपडेट दिखाता हूँ। गाइस अब फाइनली आप जैसे कि देख सकते हो, मेरा पूरा आर्मर इज रेडी। ठीक है गाइस, मैंने अपना पूरा आर्मर जो है रिपेयर कर लिया विद द हेल्प ऑफ दिस एनविल। एंड अब जो हम निकलने वाले हैं यहाँ से, आर्मर मैंने अपना चेस्ट प्लेट ही पहनी। बेट अब आ जाओ, रुक जाओ गाइस, अभी अपना ना टीएनटी तो बाकी ही रह गया। अरे बेम्टो रूम जा, मेरा लैग, शिट अपना आर्मर बहुत गंदा डैमेज है, कुछ भी गया ना अपना दिक्कत हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, प्लीज 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 प्लीज, नहीं 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 नहीं। सो ओके गाइस, मेरा बस क्विट करने का ये रीजन था बिकॉज मेरा आर्मर फुल ऑन गया। ठीक है गाइस, तो सो गाइस फाइनली इट्स बीन लिटरली 1 hour 40 minutes, फाइनली मैंने इन बंदों को मार दिया है। जैसा कि आप, मेरा आर्मर अभी मैं आपको दिखाता हूँ सीन क्या है। ये जैसे कि आप देख पा रहे हो ये रिपेयर्ड है, बट ये नहीं है। हुआ क्या, मेरे सब आर्मर में लगी हुई है मेंडिंग। सो भाई मेंडिंग क्या करता है, एक्सप्ले के हील करता है, तो मेरे को बहुत सारी एक्सपी मिली मारने के बाद, तो उससे भी मेरा हील हो गया। एंड मैं 3 बार गया हूँ लिटरली उसके बाद। ठीक है, मैं 2 बार गया था वैसे तो, ठीक है, लेकिन जब मैंने रिकॉर्डिंग भी बंद कर दी थी, हो गई थी मेरी रिकॉर्डिंग बंद, ठीक है, मेरे को करनी पड़ी। तो यार उसके बाद मैं उसके बाद फिर से 3 बार गया। सो गाइस अभी ना मेरे को चीफ कुछ कह रहा है, चीफ मेरे को कह रहा है कि मेरे को ना बहुत देर से ना कॉन्टैक्ट नहीं आ रहा है अब इसके मैनेजर का, मतलब कभी कभार कुछ इशू हो जाता है तो नहीं आता है, बट वो थोड़ी देर में आ जाता है। बट अभी तक ना 15-20 मिनट हो गए इसको ना कॉन्टैक्ट से, वो बात नहीं कर पा रहा उससे। ठीक है, तो इनके पास कुछ ब्लूटूथ वाली चीज़ होती है, उससे ना बात नहीं कर पा रहा है। तो 15-20 मिनट हो गए, वैसे यूजुअली 5 मिनट लगते हैं, कुछ इशू हो जाता है। बट यार उसने कहा, इसने कहा मेरे को कि तुम ना अब उसका घर चेक कर कराओ, तो मैं अभी जा रहा हूँ उसका घर चेक करने। तो ये वाला घर है, व्हाट द हेल, 1 सेकंड, अबे यहाँ होल है। ओ भाई साहब,
गाइस ये बंदे उठा ले गए भाई।